प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में जो ब्रह्मगीत परंपरा का अध्ययन कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मगीत के मूल आधारों पर चर्चा करते हुए मैंने भागवत के स्रोत को देखा, अब अन्य स्रोतों को देखते हैं कि कहां कहां से हमें ये स्रोत मिलते हैं। श्रीमद् भागवत की तरह ही उद्धव गोपी संवाद का वर्णन विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है, किंतु इनमें भ्रमर प्रसंग नहीं है, अर्थात केवल उद्धव गोपी संवाद ही है। संस्कृत के अन्य काव्य ग्रंथों में भी इस प्रसंग का उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि भ्रमर स्वभाव के लिए स्वार्थ वृत्ति पर सभी श्रृंगार प्रधान रचनाओं में आक्षेप किया गया है, किंतु कृष्ण चरितात्मक काव्यों में अन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उद्धव गोपियों के संवाद के अवसर पर भ्रमर वृत्ति की परिकल्पना सर्वप्रथम भागवतकार ने ही प्रस्तुत की। भागवत में यह प्रसंग केवल 10 श्लोकों में वर्णित हुआ है और इसी स्वल्प कथानक को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का विकास हुआ। अगला बिंदु देखें, हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल तथा उसके बाद भ्रमर गीत को की एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। यहां इस परंपरा पर हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा विद्यापति द्वारा भ्रमर का उल्लेख। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में सर्वप्रथम मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली में भ्रमर का उल्लेख मिलता है। देखिए ये वर्णन किस तरह से है। भ्रमर हमर किचु कहब संदेश, कंत वसंते न रहले दूरी देश, कंटक सांझ कुसुम परगास, भमर विकले नहीं पावई पास, भमरा मेल चुराए सब ठाम, तेही बिनु मालती नहीं विश्राम। विद्यापति ने प्रथम कविता में भ्रमर को विरहिणी के दूत के रूप में प्रस्तुत किया तथा द्वितीय में प्रेमी रसिक के रूप में। अतः विद्यापति के भ्रमर का संबंध उद्धव गोपी संवाद से नहीं जोड़ा जा सकता और मात्र भ्रमर का प्रयोग होने से उस कविता को भ्रमर गीत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विद्यापति के अनंतर विष्णुदास द्वारा रचित स्नेह लीला में उद्धव गोपी संवाद वर्णित है, परंतु उसमें भ्रमर का कोई प्रसंग नहीं है। दूसरा बिंदु, सूरदास द्वारा भ्रमर गीत का प्रवर्तन। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के पूर्वोक्त प्रसंग को युग दर्शन सापेक्ष चित्रण किया है तथा भ्रमर गीत के मूल प्रसंग को सर्वथा नवीन भावभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने भ्रमर गीतों में उद्धव के माध्यम से निर्गुण मतानुयायियों को स्वमार्गीय प्रेमा भक्ति के सामने परास्त किया। सूर सागर में उनके द्वारा विरचित 3 भ्रमर गीत उपलब्ध होते हैं। उनमें प्रथम भ्रमर गीत अत्यंत संक्षिप्त है तथा यह भागवत का अनुवाद सा प्रतीत होता है। उसमें ज्ञान वैराग्य की चर्चा अधिक है। इसकी रचना चौपाइयों में हुई है और अंत में ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई गई है। द्वितीय भ्रमर गीत में गोपियों ने मधुप के माध्यम से उद्धव को उपालंब दिए हैं। तीसरा भ्रमर गीत अत्यधिक विस्तृत और प्रौढ़ रचना है। इसमें काव्य सौंदर्य एवं व्यंजना वैभव के साथ सगुण भक्ति का सुंदर प्रतिपादन हुआ है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय सूरदास को ही दिया जाता है। तीसरा बिंदु है सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य। सूरदास के भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य सगुण का समर्थन और निर्गुण का खंडन है। तत्कालीन पीड़ित जनता के निराश हृदय को आश्वस्त करने में निर्गुणपंथी ज्ञान मार्गी संत तथा प्रेम मार्गी सूफी साधक दोनों असमर्थ रहे। फलतः निर्गुण का स्थान सगुण भक्ति ने लिया। निर्गुण की पराजय और सगुण की विजय उद्धव और गोपियों के माध्यम से भ्रमर गीत में सूरदास ने भली भांति चित्रित की है।
सूर ने अपने संपूर्ण कौशल भक्ति को ज्ञान से बड़ा सिद्ध करने में तथा निर्गुण की अपेक्षा सगुण को सुगम और व्यवहारिक बतलाने में लगाया। सूर का भ्रमर गीत निर्गुण साधना के निषेध और प्रेमा भक्ति के उद्देश्य से लिखा गया है। ज्ञान योगी उद्धव भ्रमर गीत में गोपियों की प्रेम साधना से पराजित हो जाते हैं, यही भ्रमर गीत का उद्देश्य है और सूर उसमें कदाचित पूरी तरह से सफल हुए हैं। अगला बिंदु है भाषागत विशेषताएं। भ्रमर गीत भाषा की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक काव्य बन पड़ा है। भ्रमर गीत की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, जहां उसकी भाषा में शब्द विधान, लोकोक्ति प्रयोग, मुहावरे और शब्द शक्ति प्रयोग से संबंधित अनेक विशेषताएं मिलती हैं। वहां भाषा की चित्रात्मकता, व्यंजकता, नाटकीयता और संगीतात्मकता भी चरम सीमा पर दिखाई देती है। भ्रमर गीत की भाषा में ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता का विधान बड़े कौशल से किया गया है। सूर ने भाषा में सजीवता लाने के लिए तथा उसे प्रेषणीयता से युक्त बनाने के लिए प्रत्येक शब्द को नाप तोल कर प्रस्तुत किया है। भ्रमर गीत की भाषा में माधुर्य गुण की प्रधानता है और उनका शब्द विधान ब्रज भाषा का होते हुए भी अनेक भाषाओं के शब्दों से समृद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग में भावुकता, मर्म स्पर्शी तीव्रता, संजीवनी शक्ति तथा संगीतात्मकता के गुणों का नियोजन सूर के भाषा कौशल के कारण ही संभव हुआ है। अगला बिंदु उद्धव का ज्ञान योग और गोपियों का प्रेम योग। भ्रमर गीत में उद्धव के ज्ञान योग का खंडन और गोपियों के प्रेम योग का मंडन किया गया है। उद्धव द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञान मार्ग गोपियों के प्रेम मार्ग के प्रेम योग के समक्ष निरर्थक सिद्ध होता है। ठीक भी है, गोपियां तो सिर्फ कृष्ण के प्रेम की भूखी थी। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान योग को अपनाने से स्पष्ट मना कर दिया था और यहां तक कह दिया था कि हे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान योग तो फटकन के समान है और हमारा प्रेम योग सोने की तरह कीमती है। इतना ही नहीं, तुम्हारा ज्ञान हमें कड़वी निम्बोली लगता है, फिर भला तुम ही बताओ, जिनके पास द्राक्षा के समान मधुर और सरस कृष्ण का प्रेम हो वह कड़वी निम्बोली क्यों खाए। गोपियों के ऐसे प्रेम योग विषयक अनेक पद भ्रमर गीत में संकलित हैं। गोपियों ने उद्धव को उपालंब पूर्वक कहा है। सूरदास के शब्दों में देखिए, आयो जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराननी लादे, जो बंजारे टांडे, हमारी गति पति कमल नैन की, जोग सिखेते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक मयान दो खांडे, एक मयान में दो तलवारें कैसे समा पाएंगे। इसी तरह गोपियां उद्धव पर स्वार्थी व्यापारी का आरोप लगाकर उनके ज्ञान योग को निरा खोटा माल बताती हैं तथा अपने प्रेम योग को सोने के समान खरा सिद्ध करती हैं और कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की, ब्रज में आन उतारी, फाटक देख कर हाटक मांगत, भोर निपट सुधारी। और आज के इस वीडियो में इतना ही। विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।